गेम वापस आ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। आज से करीब 3 दिन पहले BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से गायब हो गया। अब BGMI किसी को नहीं पता है, एक बार बता दूं, जो पहले पबजी हुआ करता था 2020 में उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, सेम उसको नेम चेंज करके इंडियन वर्जन में BGMI लॉन्च कर दिया गया। 2020 में जो पबजी बैन हुआ था वो सेक्शन 69A जो कि हमारा डेटा चाइना को ट्रांसफ़र हो रहा था सारे यूज़र्स का, इसीलिए पबजी को बैन कर दिया गया था। उसके बाद ये गेम वालों ने क्राफ्टन के साथ कोलैब करके एक नया गेम बनाया, यानी कि सेम गेम को मॉडिफाई करके वो इंडिया के लिए बना दिया, और पुरानी पार्टनरशिप जो कि टेंशन के साथ थी उन्होंने वो कट कर दी। तो सीधी बात है कि अब डेटा हमारा चाइना को नहीं जा रहा था। तो रिसेंटली जब BGMI जो नया गेम आया था 2021 में, उसके बाद अब 2022 में वो भी गेम प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से हट गया, तो सभी लोग परेशान हो गए कि ये ऐसा तो नहीं है कि BGMI भी फिर से बैन हो गया। अगर हम कन्फर्मेशन के लिए देखते हैं तो ना गवर्नमेंट ने कुछ कहा है इसके बारे में कि हम लोग BGMI को बैन कर रहे हैं, और जो BGMI की कंपनी है क्राफ्टन, इनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं है। तो उस वजह से जो है ना सभी लोग परेशान हो गए कि ये भी बोलने लगे कि ऐसा हो सकता है कि एक टेक्निकल ग्लिच है, गेम जो है ना प्ले स्टोर में नहीं दिख रहा होगा कौन से भी, तो आ जाएगा एक दिन में या फिर 2 दिन में, सभी लोग यही समझ रहे थे कि ग्लिच हुआ है। लेकिन एक्चुअल रीज़न आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली इसमें इसके साथ हुआ क्या है, और अगर आने के चांसेस है तो ये कब आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी गेम है उसको अगर गवर्नमेंट बैन करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसके पीछे वैलिड रीजंस देती है, जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। ये जो BGMI के केस में है, यहाँ पे जो मेन रूल है वो है डेटा ब्रिज का, यानी कि जो इंडियंस का डेटा है वो चाइना को नहीं जाना चाहिए, तो यही मेन चीज़ है। और अगर ये लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं जो डेटा चाइना को चला जाता है, तो इंडिया कभी भी, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ये गेम को बैन कर सकती है। तो जैसे ही ये गेम प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से गायब हुआ, तो सभी थोड़े बहुत फेक आर्टिकल्स भी आए जहाँ पे उन्होंने बताया कि BGMI जो है ना फिर से डेटा जो है चाइना को भेज रहा है। ये जो आर्टिकल्स थे ये मैक्सिमम आर्टिकल्स फेक आर्टिकल्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है कि किस लिए इनको प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से हटाया गया है। तो इसकी वजह से ये तो सोच सकते हैं हम कि जो सेक्शन 69A है ये अभी इनके ऊपर नहीं लगा है, अगर ये इनके ऊपर लग जाता ना तो गेम को तुरंत बैन कर दिया जाता। तो अभी तक मेरे हिसाब से ये 69A नहीं लगा है। करीब 2 दिन के बाद यानी कि 31 जुलाई को क्राफ्टन ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये बताया कि किसी भी चीज़ को आप बिलीव मत करो, कोई भी आर्टिकल्स वगैरह देख करके बैन हुआ है वो है आप उस पर बिलीव मत करो, हम लोग आपको ऑफिशियली अपडेट देंगे कि क्या हुआ है। मतलब उन्होंने भी नहीं बताया कि एक्चुअली में BGMI के साथ हुआ क्या है। मेरी तरफ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ कि एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या होगा। देखिए, कोई भी गेम हो तो उनको गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी सेट की रहती होती है, जो भी गेम्स आते हैं उनके लिए एक पॉलिसी होती है, जो एप्लीकेशन हर डिफरेंट कैटेगरी की एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जो है ना एक रूल्स बनाया होता है, जिनको उसको फॉलो ही करना पड़ता है जो लोग एप्लीकेशन बनाते हैं उन लोगों को। तो मेरे को यहाँ पे ये लगता है गवर्नमेंट ने कुछ डिटेल्स वगैरह पूछी होंगी या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा होगा उनके पॉलिसीज के हिसाब से, तो क्राफ्टन ने उसको सबमिट नहीं किया होगा। गवर्नमेंट ने उनको 14 से 15 दिन का टाइम दिया है, जो चीज़ गवर्नमेंट पूछ रही है, जो क्लैरिफिकेशन मांग रही है, उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर सबमिट करने के लिए 14 से 15 दिन का टाइम है, और मैक्सिमम ये लोग तो सबमिट कर चुके हैं। और अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स नीड है, जो गवर्नमेंट पूछ रही है, ये लोग अगर सबमिट कर दिए टोटली, तो गेम वापस आ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। ये बात कुछ और है अगर गवर्नमेंट को शक है कि ये लोग जो है ना अपना डेटा इंडिया का बाहर चाइना को भेज रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट में निकल जाता है कि हाँ कुछ डेटा इंडिया का चाइना को गया है, तो ऐसे केस में ये गेम कंपलसरी बैन हो सकती है। तो ये कुछ माजरा चल रहा था ये सारे अपडेट से कि किस तरीके से अभी BGMI के साथ ये सब कुछ चल रहा है। सभी गेमर्स जो भी इंडिविजुअली जो गेम्स के लिए करियर बनाना चाहते हैं ई स्पोर्ट्स में, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान हैं, और मैक्सिमम जो लोग यूट्यूबर हैं वो लोग भी परेशान हैं। तो होप करता हूँ आपको सारी सिनेरियो समझ में आ जाएगा। अगर ये गेम में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो डेटा ब्रीच कर रहा है, तो शायद ये गेम वापस जल्दी आ जाएगा। अगर उतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, छोटा मोटा इशू है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ छोटा मोटा फाइन लगा के भी जो है ना वापस लाने की परमिशन दे सकती है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है, ये गेम वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर गवर्नमेंट इसको भी पबजी की तरह बैन कर देगी? होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।